डॉक्यूमेंट्री फिल्में हमारे समाज, देश और दुनिया के बदलते चरित्र का आईना है। दिल्ली में हुए डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल में दुनिया भर की चुनिंदा फिल्में दिखाई गईं। कौन सी है? ये जो पीछे वाले इस फेस्टिवल को नाम दिया गया परसिस्टेंस रेजिस्टेंस। बीड़ी पान मांगता, सिगरेट मांगता, काफी चाय मांगता, कप प्लेट मांगता, नमकीन मांगता, आमलेट मांगता, ई पसीना के बाबू अपने रेट मांग। सब जानी हुई है, जाना हुआ है, नस्ल तेरी और वस्ल तेरा, और जब सर की जरूरत आएगी तो नहीं चलेगा पता तेरा, और जो मेरी कहो तो मेरा सनम सर मेरा कहाँ छिप पाएगा, सर सर है नहीं, सर बम है मेरा, एक रोज स्वयं फट जाएगा। इस फेस्टिवल की सबसे अच्छी बात यह है कि नई डॉक्यूमेंट्री आती हैं और प्रेमियर्स होते हैं। जो एक नयापन है इस फेस्टिवल में वो बहुत रिफ्रेशिंग है, खासतौर से स्टूडेंट्स के लिए। ऐसे फिल्म फेस्टिवल्स उन्हें बताती हैं कि कमर्शियल सिनेमा और जो ऑफ बीट सिनेमा है उसके अलावा भी एक जॉनर है इंडिपेंडेंट फिल्म्स का, जो बहुत सारे नए फिल्म मेकर्स, ओल्ड फिल्म मेकर्स बनाते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं लेकिन लोगों तक पहुँचने का उनका एक ही जरिया होता है, ये फिल्म फेस्टिवल। दिल्ली में हर साल ये उत्सव आयोजित करता है मैजिक लैंटर्न फाउंडेशन। इसका मकसद डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के साथ युवा पीढ़ी को फिल्म के इस फॉर्मेट से जोड़ना भी है। परसिस्टेंस रेजिस्टेंस का एक उद्देश्य तो ये है कि फिल्मों को अपने ऑडियंस तक पहुंचाना। दूसरा उद्देश्य ये है कि दिखाना लोगों को कि डॉक्यूमेंट्रीज आजकल जो बन रही हैं वो बोरिंग बिल्कुल ही नहीं है, वो दूसरे ढंग के फिल्म हैं और बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म हैं। ये फेस्टिवल खासकर उन लोगों के लिए है जो मसाला फिल्मों से अलग गंभीर विषयों पर फिल्में देखना चाहते हैं। रितु कुमार, राज्यसभा टीवी।